ईरान में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के मारे जाने के बाद आज देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कट्टरपंथी परमाणु वार्ताकार सईद जलीली और सुधारवादी मसूद पेजेक्शियन के बीच है। बता दें कि इससे पहले 28 जून को मतदान के शुरुआती दौर में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलने की वजह से ही ईरान में दोबारा मतदान कराए जा रहे हैं। जेल में बंद नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी सहित कई लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया है। जानकारी के अनुसार ईरान में मतदाताओं को कट्टरपंथी पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली और लंबे समय से संसद सदस्य रहे मसूद पेजेक्शियन के बीच चुनाव कराना है। एक और जहां मसूद पेजेक्शियन ने सुधारवादियों और ईरान के शिया धर्मांतर में उदारवादियों के साथ खुद को जोड़ा है। देश के गृहमंत्री अहमद वहीद के पास चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने का जिम्मा है।